हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे टिप्स जिससे आपका एडलोनेमा प्लांट अच्छा रहेगा और हेल्दी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये प्लांट एंड्रॉइड फैमिली से बिलोंग करता है और इसको चाइनीज एवरग्रीन भी बोलते हैं। ये प्लांट लो लाइट में अच्छे से सर्वाइव कर जाता है, ये मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया था। ये प्लांट इंडोर प्लांट है और इसके अलावा ये एक फ्लावरिंग प्लांट भी है। आप ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से इसमें फ्लावर ब्लूम होते हैं। देखिए, जो इसके फ्लावर्स होते हैं वो पीस लिली की तरीके से दिखते हैं, जैसे कि ये दिख ही रहा है आपको, बिल्कुल चमकदार वाइट कलर के होते हैं। और देखिए, मेरा अभी स्टार्ट ही हुआ है ब्लूम होना। तो ये देखिए, मैंने इसमें रिसेंटली अभी फर्टिलाइजर दिया था इस प्लांट को, तो वो आप जैसे कि देख ही सकते हैं ये फर्टिलाइजर दिया हुआ है मैंने। लेकिन मेरा जो फर्टिलाइजर देने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। मैं क्या करती हूँ, मैं वर्मी कंपोस्ट को पहले 3 दिन पहले ही पानी में अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और फिर 3 दिन बाद उस पानी को अपने प्लांट्स में दे देती हूँ। यानी कि मैंने इस तरीके से इस अपने एग्लोनेमा प्लांट को फर्टिलाइज किया है और देखिए आपको रिजल्ट दिखाई भी दे रहा होगा। एक देखिए, एक नया पब निकल रहा है, इससे मेरा एक और नया प्लांट बिल्कुल इसी की तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। इस प्लांट को मैं 6 मंथ्स में फर्टिलाइज करती रहती हूँ, तो आप भी 6 मंथ्स में इसको एक बार फर्टिलाइज कर दिया करें अच्छे से और इसकी गुड़ाई भी कर दिया करें। 10 दिन में मैं अपने इस प्लांट की गुड़ाई कर देती हूँ, जिससे एयर का फ्लो इन एंड आउट अच्छे से होता रहता है। तो आपको क्या करना है, एक तो अच्छे से गुड़ाई करनी है इसकी और इसको 6 मंथ्स में एक बार फर्टिलाइज करनी है। और थर्ड पॉइंट मैं आपको बोलूंगी, अगर इसके प्लांट ब्लूम हो चुके हैं तो आप उसको कट कर देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।